हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लेक्चर आ चुका है और ज़्यादा लेक्चर हो जाने की वजह से अगर आप लोग को लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर टोटल 20 सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यह सिनेमा 4D का लेक्चर नंबर 45 है। यहाँ तक हम लोग ने इसको देख लिए थे, आज हम इसके आगे देखेंगे कि और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। ये हो गया, अभी इसके अंदर एक आएगा सिलेंडर जो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। सेंटर में और थोड़ा सा छोटा भी रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, नहीं तो गंदा लगेगा। ये हो गया, कॉपी और बनाया, थोड़ा सा साइड में लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ले लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसी में से मैं चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा और क्यूब ले लेता हूँ। छोटा किया इस तरीके से, एक कॉपी और बनाया यहाँ पे, लिया एक कॉपी और बनाया, इसको रोटेट किया -90 डिग्री। एक कॉपी और लिया, ठीक है, एक कॉपी और लिया इसका, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं, तो इस तरीके से है ये। अगर मैं थोड़ा सा चाहूँ तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से करना चाहूँ तो ये बेटर लगेगा इससे, कि मतलब थोड़ा सा और लंबा खींच दिया मैंने। इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं कि जो ये सब कोई छोटा कोई बड़ा हो रहा है,
तो मैं तो आपको लोग को रास्ता दिखा दिया हूँ, तो मुझे लगता है आप वो खुद से कर सकते हैं कि ये जो मैं चारों पट्टी लगाया हूँ, ये पट्टी कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए, सब एक साइज का होना चाहिए, ये आप लोग कर लेना। बाकी ट्रिक तो सबको पता ही दिया जो ऐसा बनाना था, तो मुझे नहीं लगता कि ये आप लोग नहीं कर पाओगे एक ही साइज का। आप एक ही का कॉपी बनाना, रोटेट करके कर लेना। वैसा तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा ही किया है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर वो आप लोग कर लेना छोटा, क्योंकि तो अगर उतना नहीं करोगे तो फिर मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये पकड़ूँगा और ये पकड़ूँगा और इस तरीके से ऊपर ले लेता हूँ और इसका एक कॉपी मारता हूँ। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, थोड़ा सा और बाहर लेता हूँ ताकि वो दिखे। यहाँ पे लिया, थोड़ा सा इसको पकड़ के बाहर लूँगा मैं। ये देखिए, ये हो गया। अभी मैं इसके ऊपर एक लगा देता हूँ फ्लोर, और फ्लोर को कर दूंगा एकदम नीचे, और इसके ऊपर लगाऊंगा एक फिजिकल स्काई। फ्लोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। चलो रेंडर देखते हैं। फाइनल आउटपुट है तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा टेक्सचरिंग कर दें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो मैं दो तीन टेक्सचर बना लेता हूँ कि ये जैसे है कि कुछ इस तरीके का दिखे, एकदम ब्लैक भी नहीं और हल्का सा ब्लैक, ये वाला डाल दूँगा इस पे। और एक मटेरियल और लेता हूँ मैं, नहीं और इसको क्या करूँगा, मैं एकदम ही वाइट रखता हूँ, कलर में गया इस तरीके से, ये इस पे डालता हूँ वाइट कलर का, और ये वाला डालता हूँ इस पे ब्लैक, और इस पे भी सेम ही कर देता हूँ ब्लैक, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसका जो ये पैर है ना, बहुत मतलब छोटा ही दिख रहा है वो साइज के हिसाब से, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा वो। तो चलिए मैं फटफट कर देता हूँ, ये वाला है इतना बड़ा, ठीक रहेगा, ठीक है चलेगा। ये यहाँ पे आ गया और सेम टेक्सचर आ गया इस पे, और ये वाले को मैं डिलीट ही कर देता हूँ और इसी का कॉपी बनाता हूँ, ये यहाँ पे रखूँगा और ये वाले कॉपी को बना के यहाँ पे रखूँगा इस तरीके से। और ये जैसा मैंने तीन बनाया तो चार बनाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इसको तीन ही बनाना, क्योंकि आप लोग तो चेयर तो देखे रहेंगे जिसमें तीन लगा रहता है, तो तीन वाला मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग को उसको अच्छे से रखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि मतलब सेट नहीं कर पाओगे जल्दी, लेकिन वही चीज़ मुझे चाहिए कि जल्दी आप लोग सेट ना कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दिमाग लगाए। जब आप लोग ज़्यादा उसमें दिमाग लगाओगे ना तो मज़ा आएगा आपको, और कुछ ना कुछ मतलब खुद से भी सीखने को मिल जाएगा आपको।
क्योंकि अगर आप लोग पूरा मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग फिर इतना अच्छा सीख पाएंगे। क्योंकि मैं, मेरा काम है कि थोड़ा आप लोग को रास्ता दिखा दूं, और बाकी जो मंजिल है आपको खुद तय करना है, तभी मज़ा आएगा करने में। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा आप लोग को नहीं दे पाऊँगा, बस मेरा काम है कि मैं बता दिया, क्योंकि मुझे टोटल 20 सॉफ्टवेयर सिखाना है आप लोग को, तो कई साल निकल जाएंगे, तो मैं इतना टाइम नहीं लूँगा आप लोग का ब्लॉकिंग बता बता के। राय ये है कि ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा कि आप लोग बाद में ऐसा बोले, अरे सर ने तो बताया नहीं कैसे करूँ, ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग हो गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।